आज मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मौजूदा बरसरे इक्तदार कॉरपोरेटर्स और दीगर अहदेदारान बॉडी का की गालिबन आखिरी जनरल महाना महासभा थी। अब 15 जून के बाद से मौजूदा कॉरपोरेटर्स की मियाद ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद प्रशासक नामजद किए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने ऐसा आदेश दिया है कि जिन शहरों की मुद्दत है और इलेक्शन हो सके तो वहाँ का कमिश्नर वहाँ का प्रशासक होगा। इसलिए मुमकिन माना जा रहा है कि मुकामी म्युनिसिपल कमिश्नर भालचंद गोसावी ही मालेगांव में प्रशासक का कारोबार संभालेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर के इब्तदाई दिनों में यहाँ मालेगांव कॉरपोरेशन और दीगर कॉरपोरेशनों के इलेक्शन हो सकते हैं। आज महासभा की आखिरी जनरल बोर्ड मीटिंग के बाद साबिक मेयर शेख रशीद और मौजूदा बरसर इक्तदार बॉडी के सरबरा शेख रशीद साहब ने मीटिंग के बाद नुमाइंदे से मुलाकात की और जो बातें बताई हम आपको मुख्तसर हैं और उसके बाद से सुनते हैं रशीद साहब की ज़बानी उनके अंदाज में। सैफ न्यूज़ पर गुज़िश्ता 5 बरस कबल कॉरपोरेशन बॉडी के लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, उसमें शेख रशीद साहब की क़यादत में कांग्रेस के को वाज़ह अक्सरियत मिली और इक्तदार साजी कांग्रेस के हाथ में आई। इक्तदार हासिल करने का प्रोसीजर, फिर उसके बाद कॉरपोरेशन के कागजात और ऑफिसेज से रबते का प्रोसीजर यूँ ही पूरी हुआ। कोरोना महामारी का वक्त आ गया, कोविड में पूरी दुनिया मुतासिर हुई, पूरा मुल्क, पूरी रियासत, पूरा ज़िला, वहीं मालेगांव भी। आज मीटिंग के अख्तिताम के बाद शेख रशीद साहब ने इंटरव्यू पर भी कहा और नुमाइंदे से भी मुलाकात के दौरान बताया, इस दौरान कोरोना महामारी के अय्याम में कॉरपोरेशन में बरसर इक्तदार ग्रुप शेख रशीद साहब कायरा मैडम की सरपरस्ती में कोरोना महामारी के लिए बेहतर खिदमत अंजाम दी गई। यही वजह थी कि मालेगांव मॉडल बना और पूरे रियासत भर में मालेगांव मॉडल पैटर्न के ऊपर लोगों ने अमल करना शुरू किया। क्वारंटाइन सेंटर, कोविड सेंटर, हेल्थ सेंटर, वैक्सीनेशन कैंप, इजाफी मुलाजमीन लगाना, इजाफी तिब्बी वसाइल व असबाब, रियासती हेल्थ मिनिस्ट्री से उस वक्त रब्ता करके जो भी सहूलियात थी उसकी फराहमी करना, सिविल हॉस्पिटल को पूरी पूरी इमदाद देना और वहाँ पर मुकम्मल निगरानी करना, उसके बाद रियासती हुकूमत से मरकजी हुकूमत से फंड हासिल किए गए, स्पेशल विशेष फंड लाने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात का फ़ायदा मालेगांव को मिल सके इसके लिए कॉरपोरेशन बरसर इक्तदार ने कॉरपोरेशन के तवसुस से कोशिश की। जनरल फंड का बड़ी तादाद में इस्तेमाल हुआ और जितनी मिनिस्ट्री थी हर जगह कागजात के फॉलोअप लेना, मुतालिका वजारत से उस काम के लिए मंजूरी हासिल करना, फंड हासिल करना और उस काम को अंजाम तक पहुंचाने में बरसर इक्तदार ने काफ़ी कोशिश की। शेख रशीद साहब ने बताया कि अपोजिशन में रहते हुए भी अपोजिशन वालों का ख्याल रखा गया, जिन इलाकों में ज़रूरत थी वहाँ कॉरपोरेटर किसी भी पार्टी का हो ज़रूरत के मुताबिक वहाँ बिला इम्तियाज फंड फराहम किया गया। हिंदू मुस्लिम की सियासत ना करते हुए तामीरी कामकाज पर ध्यान दिए गए, आबादी के तनासुब से रखा गया। जहाँ आउटर के कुछ इलाकों में काम किया गया वहीं बड़ी तादाद में सेंट्रल में भी काम किया गया और दोनों जगह के काम ज़मीन पर दिख रहे हैं। ने बताया कि हमने हमारी पार्टी के कॉरपोरेटरों को भी बराबर मौका दिया, उनके कामकाज पर भी नज़र रखते रहे, उनसे अवामी कामकाज भी करवाए और उनको फंड भी दिया। जो साथी पार्टियाँ इक्तदार में शामिल थीं उनसे जो वादा किया था वो भी वफा किया गया। हालांकि कुछ लोग बाद में मुनाफिफ हो गए लेकिन वादे के मुताबिक उनको भी इक्तदार दिया गया। सेना से इक्तदार साजी हुई थी, जो बातचीत हुई थी उस पर भी कायम रहा गया और भी इक्तदार दिया गया, मगर शहर के हित में किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया गया और बिला इम्तियाज आउटर और सेंट्रल दोनों इलाके कामकाज तनासुब के हिसाब से किए गए। आफिसरान जो दीगर अहदेदारों को दीगर बरसरे इक्तदार को बेवकूफ़ बना लिया करते थे, तजुर्बात असर रसूख और उन पर निगरानी रखने की वजह से घाग लहजा इस्तेमाल और घाग तरीके से उन पर निगरानी करने के बाद आफिसरान कमान कसी गई और उनसे भी अवामी हित के काम काज किए गए। हिफ्जान सेहत को लेकर मदनी नगर हेल्थ सेंटर, हारून अंसारी हॉस्पिटल की तामीर, सिविल हॉस्पिटल में सहूलियात फराम, तामीर और तौसी का काम छेड़ना, हिफ्जान और सेहत के लिए भी काम किए गए। शेख रशीद साहब ने बताया कि जल्द ही सिविल हॉस्पिटल की नई आरोग्य कमेटी तश्कील दी जाएगी। अभी तक बरसरे इक्तदार होने की वजह से कॉरपोरेशन की जिम्मेदारियाँ और मसरूफियात रहा करती थी, अब फ्री होने के बाद इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री से मिलकर और शहर के दीगर काम काज के लिए मुतल्लिका वजारतों से मिलकर शहर में मजीद फंड लाने की कोशिश की जाएगी। बुनियादी सहूलियात को लेकर, रोज़मर्रा के मसाइल को लेकर, दीगर अवामी काम काज को लेकर, त्योहारों और दीगर मौाक़ों पर कॉरपोरेशन मुस्तैद रही। आगरा रोड, कुसुम्बा रोड पर बड़ी तादाद में फंड इस्तेमाल किया गया और इसकी तामीर को मुमकिन बनाया गया, जो तकरीबन मुकम्मल होने में। वहीं कच्चे इलाके, जो नवाबाद इलाके हैं जहां गरीब बस्तियां हैं,
दयाना, मालदा, दरेगांव ऐसे इलाकों में भी ज़रूरत के मुताबिक जहां जहां ज़रूरत हुई जितना बन सका उतना फंड देने की कोशिश की गई। वहीं आइंदा दिनों इन कच्चे इलाकों में जहां ज़रूरत है उस पर भी नज़र रखी जाएगी। जिस वक्त तो विलासराव देशमुख वजीर आला थे उस वक्त तो बिजली की माफ़ी सब्सिडी के लिए कोशिश की गई। जब कॉरपोरेशन में इक्तदार आया तो एनजीटी के वक्त तो 28 हॉर्स पावर से कम का गुरु उद्योग के मामले में महासभा में ठहराव पास करना, एक्साइज के वक्त में कॉरपोरेशन की तरफ से कोशिश करना, इन तमाम बातों को लेकर शेख रशीद साहब ने बताया कि सनती मामलात को लेकर भी हमने जो वादा किया था वो वफा किया, जितनी कोशिश हो सकी हमने उतना सारा काम किया। वहीं उन्होंने आगे तफसीलात बयान करते हुए बताया कि हमारे काम काज बेशुमार ज़मीन पर दिख रहे हैं, हर रोज़ हर हफ्ता नए काम का इफ्तिताह होता है, सड़कें, गटरें, मिनी पुल, लू मॉडल, हॉस्पिटल, दीगर तामीराती कामकाज, बुनियादी सहूलियात, मूलभूत सुविधा को लेकर। वहीं अतिक्रमण के लिए भी कोई आगे नहीं आता, वोट ख़राब होने के डर से लोग इससे सामना नहीं कर पाते, मगर शेख रशीद साहब ने बताया कि अतिक्रमण के लिए मैं रोज़ अव्वल से ही कोशिश कर रहा हूँ और इसके लिए मज़ीद आगे कोशिश सख्त की जाएगी। शेख रशीद साहब ने बड़े पुरइत्मीनान लहजे में बताया कि मेरे साथ में आसिफ शेख रशीद, तायरा शेख, हिम्मत कॉरपोरेटर्स अवामी कामकाज के लिए हमेशा मुतारिक रहते हैं। आने वाले वक्तों में आवाम को जज्बात, ज़ात बरादरी और इन सब बातों से हटकर तामीर और तरक्की के लिए कामकाज के नाम पर काम करने वाले लोगों को वोट दिया जाना चाहिए। अगर आने वाले वक्तों में एनसीपी को इख्तदार मिलता है तो शहर में कई बड़े अहम बुनियादी कामकाज हो सकते हैं, जिसका लाया अमल अभी से शेख रशीद साहब की सरबराही में तैयार किया गया है। गुज़िश्ता 5 सालों में जहां बेशुमार छोटे बड़े काम हुए, उन्हीं कामों के अलावा 50 अहम बड़े कामों की तफसील जल्द हुई सैफ न्यूज़ पर। 5 काम का एक एपिसोड जो इमरान शेख रशीद साहब ने तो तमाम कॉरपोरेशन के दौर इकतदार की तफसीलात फराम की है, तामीरी कामों की, ऐसे अहम काम साहिब न्यूज़ पर जल्द ही एपिसोड के जरिए सिलसिलावार पेश किए जाएंगे। आइए देखते हैं शेख रशीद साहब ने इस मीटिंग के बाद क्या कहा। मैं समझता हूं कि हमको शहरवासियों ने 28 सीट से कांग्रेस की, जब हम कांग्रेस में थे 28 सीट से हमको नवाजा था और बाकायदा उस वक्त तो 28 के बाद में हमने कुछ दूसरी पार्टियों को सपोर्ट लिया, सेना वगैरह का, और उसके बाद से लेकर के आज आने वाली 14 जून के एंड तक और इंशाल्लाह उसके आगे तक भी जो हम लोगों ने 5 साल में हमारी कोशिश रही, सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम एकता हम लोगों ने कायम रखा, एक जैती शहर के अंदर कायम रखा, कौन से पक्षों का वो ध्यान ना देते हुए, किसके ख्यालात कैसे हैं वो ध्यान ना देते हुए, शहर के अंदर हम कितना अच्छा सबको साथ लेकर के डेवलप हम कर सकेंगे। हमने जहां हमारे मुस्लिम भाइयों के इलाके के अंदर अगर काम किया है या ज़मीनों पे आज भी काम चालू है, जनरल फंड से, गवर्नमेंट फंड से काम ज़्यादा हम रोड रास्तों के नहीं कर सके, लेकिन जनरल फंड से आज अगर आप लोग देख रहे होंगे शहर के अंदर अगर काम हो रहा है, और वो आज ज़मीन के ऊपर हमारे, अगर कोई बोलता है कि 400 करोड़ का बजट है आपका हिसाब दो, तो मैं बोलता हूँ कि आपने ये 30 महीने गुजरे, वो 30 महीने के अंदर आपने 30 करोड़ या 30 काम करके दिखाना था, छोटे या बड़े। हमने तो बाकायदा ज़मीन के ऊपर खाली मुस्लिम इलाकों में ही नहीं, हिंदू भाइयों के इलाके में भी, चाहे वो सेना के लोग हो, बीजेपी के लोग हो, हमने उनको साथ ले के चला। कहीं थोड़ा कम ज़्यादा हुआ होगा मुस्लिम इलाके के अंदर भी, हिंदू भाइयों के इलाके के अंदर भी, लेकिन वहाँ भी आज ज़मीन के ऊपर काम चल रहे हैं। और मालेगांव के इस हलके में जो हमारा मुस्लिम भाइयों का एक 75% इलाका है, उसके अंदर आज ज़मीनों के ऊपर कॉन्क्रीट रोड, जो कभी शब्बीर सेठ के ज़माने के अंदर मालेगांव शहर के अंदर नगर पालिका छोटी थी, 60 काउंसलर रहा करते थे उस वक्त, तो जो ज़मीन के ऊपर सीमेंट रोड के, शेख सलीम साहब मरहूम, उनके ज़माने में अगर जो सीमेंट रोड के काम होते थे, आज उसके मुताबिक मालेगांव शहर के अंदर आज की बॉडी में इन 5 सालों के अंदर हमने पूरी कोशिश की। और सिर्फ मालेगांव शहर जो सिर्फ विधानसभा मतदार संघ है ऐसा नहीं,
जो आउटर का इलाका है, जो कॉरपोरेटर हमारे पार्टी की चुन करके आते, जो आज 84 कॉरपोरेटर थे और कॉप्शन के बाकी के, कॉप्शन के लोगों को भी हमने फंड दिया, लेकिन हमने कोशिश किया कि चाहे दयाना हो या मालदा हो या दरेगा हो या जूना शहर हो, और जूने शहर के किनारे पट्टे हो, वहाँ पे हमने पूरी पूरी ताकत से, पूरी कोशिश से वहाँ पे काम करने की कोशिश किया। और आज वो काम, चाहे वार्ड नंबर 3 देखो, वार्ड नंबर 2 देखो, प्रभाग नंबर, वहाँ पे भी काम हो रहे, प्रभाग नंबर 4 जो कच्चे एरिया, वहाँ भी ज़मीन पे काम हो रहे हमारे 5 सालों के अंदर हुए, ये 2.5 साल में भी हुए, और इंशाल्लाह आने वाला जो बजट जो पेश हुआ है, जो महापुर की सहन हो चुकी है, मैं समझता हूँ एक तो सहन करेगी या नहीं करेंगे, लेकिन हमने अपना काम कर दिया है। हमने अभी भी हिंदू भाइयों के इलाके के अंदर भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से बाकायदा जहाँ जहाँ काम की ज़रूरत थी वहाँ पे हम लोगों ने बजट का हेड रख दिया है, और इस इलाके में भी करीब करीब वापिस 50 करोड़ रुपए के काम जनरल फंड से आगे इंशाल्लाह बजट रिलीज होने के बाद में होने वाले है, और वो भी ज़मीन पर हो गए। हम दूसरों की तरह गलत फहमियाँ शहर के अंदर पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लीडरानों ने हमको सिखाया नहीं, ना तो हमारे वालिद मोहतरम ने कभी सिखाया, हमारी फैमिली ने हमको सिखाया नहीं, ना हमारे जो सलाहकार हैं, जो सलाह देने वाले हैं, जो पार्टी के छोटे बड़े उम्र के लोग हैं, उन लोगों की बातें हम ले करके, वो जो चाहते कि ज़मीन पर काम होना चाहिए, हम लोग उस तरीके से ज़मीन के ऊपर काम करते रहे, करते आए हैं। और ये तो खैर कॉरपोरेशन के काम है, अभी अल्लाह के करम से DPDC से महापुर के लेटर के ऊपर बाकायदा महासभा की ठहराव करने के बाद बाकायदा हमने पालक मंत्री साहब से DPDC से 5.5 करोड़ रुपया लाया। आज वो 5.5 करोड़ में से पहले काम की शुरुआत आशा नगर का मेन रोड, जो आशा नगर के इस कोने से तो डायरेक्ट मार्केट साइजिंग वाला जो मेन रोड है वहाँ तक का सीमेंट रोड का काम शुरू हुआ, वहाँ बल्कि पोल भी शिफ्टिंग कराए गए, बाकी वहाँ 3 क्रॉसिंग है गटरों की, वहाँ पे भी पाइप डाल करके इंशाल्लाह उसका भी काम पूरा होने जा रहा है। तो हमारी कोशिश रही है कि किसी भी हालत में शहर के अंदर ज़मीन के ऊपर काम हो, लोग क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, क्या अपोजिशन करते हैं, पहली बात तो उनको अपोजिशन का एक रूल होता है, उनको तरीका ही नहीं है। एक इंसान ने उठ करके पहले अपनी बात को रखना चाहिए, उसकी बात पूरी हो जाती है, वो भले मानी ना रखते हो बात, विषय ना हो, ठीक है, कभी भी जैसे असेंबली के अंदर है ना, कभी भी अंदर उठ करके अपनी बात को रख सकता है जी। है ना, लेकिन यहाँ पे जो होता है कि जिसको बोलते हैं ना काँव 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 का वाला विषय आता है, एक उठता है सभी उठ जाते हैं, ऐसी कैसी अपोजिशन है। और कहने के लिए सब एक तो बोलता है बच्चा, क्या बोलता है बच्चा, मुझसे ज़्यादा किसी को समझते नहीं, क्योंकि बोले मैं एडवोकेट हूँ, है ना, कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मुझसे ज़्यादा किसी को समझता नहीं। अब मेरे एक बात समझ में नहीं आती यार, ग्रेजुएट अपने आप को बोलते हो, जबान को लगाम भी नहीं रहती उनकी, है ना, जबान को लगाम भी रखना चाहिए ना, ऐसे कैसे ग्रेजुएट है। तो हमारे वालदैन ने हमको ये सीख नहीं दी, भले हम ग्रेजुएट नहीं हैं, लेकिन हमारा इतना अनुभव है कि ग्रेजुएट जो है ना ये एक साइड में बैठते, हमारा अनुभव यानी कि तजुर्बा, ये तजुर्बा है जो काम जमीन के ऊपर होता है, इन्होंने कभी किया नहीं, अपनी दाल पे खाली रोटी या रोटी पे दाल वो खींचने की कोशिश किया, बताओ। ये चिल्लाट पुकार बहुत करते हैं, वो शाहन बहन को 50 लाख रुपया है ना नए पूरे के अंदर काम करें, रास्ते के लिए काम दिया सके, तो कम से कम 50 लाख का 1 करोड़ जो छोटा जूना बीप मार्केट है वहाँ से लेके अगर सुलेमानी चौक तक भी अगर कर देते वो भी ना, मेरे को तो लगता वही पैसा चोरी हो गया या काम हुआ नहीं, बिल निकल गया। अतीक कमाल साहब को भी दिया गया 50 लाख रुपया, हेड भी रखा गया, फिर कहाँ काम है वो 50 लाख का। ये डिग्निटी बच्चा, उसको 50 लाख रुपये दिए, उसने कहाँ काम करा। तो कम से कम जो रास्ते खराब है उसके काम कर लेना चाहिए ना, फंड खाली चिल्ला करके शहर का डेवलप नहीं हो सकता है कि बस महासभा ही अपना त्यौहार आ गया आज चिल्लाने वाला, ऐसा कुछ मुझे लगने लगा इन लोगों का।
है ना। अरे यार मैं समझता हूँ अभी दूसरे को चोर बोलते, अभी आज चिल्ला रहा था। ये जो विषय आखिरी था, आर्बिट्रेटर का, कि वो लेकर के आते हो स्काइप वॉक, अरे काई की बात है यार, अच्छी बात है। कभी तुमने भी सुझाना था, कभी अपने आमदार को बोलना चाहिए था कि यार 100 करोड़ हमारे दादा भुसे साहब ने लाए, 30% खर्चा अपने को कारपोरेशन का हिस्सा देना पड़ेगा। वो अपने शहर के अंदर अपने कारपोरेशन अद्दी का काम है, उसके मतदार संघ का नहीं है दादा भुसे साहब का, जो कारपोरेशन की सीमा है उसके अंदर का काम है। उसमें 4 ब्रिज भी है, तो 4 ब्रिज के ऊपर क्या खाली हिंदू भाई जाने वाले हैं क्या? ये तोड़ के नए बनाने वाले हैं। एक सांडवा पुल, इसके ऊपर से कभी गाड़ी मोटर जाती नहीं, मोटरसाइकिल जाती नहीं, रिक्शा जाती नहीं, अब उसको ऊंचा किया जाएगा। दोनों एक 1978 की बॉडी में, जब म्यूनसिपलिटी में मेंबर नहीं था उस वक्त, तो प्रकाश शाह वो सदस्य थे, उनकी यादी के ऊपर एक ही ब्रिज था हमारा, है ना, और लाइट लगा हुआ रहता था। यानी जब तक एक गाड़ी पास सामने की हो नहीं जाती थी, तो दूसरी गाड़ी जब तक जाती नहीं थी, एक ही ब्रिज था। तो दूसरा ब्रिज उस वक्त तो बना, और एक उसके पहले का है, वो भी तोड़ के नया बनाना है। दोनों बराबर, एक दयाने के अंदर से इतना बड़ा हमारा दयाने का रमजानपुरे का मुस्लिम एरिया का भाग हो गया है, क्या खाली दयाने के गांव के लोग ही जाने वाले हैं क्या? एक ब्रिज जो फर्सी पुल, जो महीने आमदा रहते हुए 10 लाख रुपये महीने दिया था, क्योंकि श्रीराम नगर का हिस्सा मेरे मतदार संघ में था, और दयाना गांव का हिस्सा है ना, और रमजानपुरे वगैरह का हिस्सा वो प्रशांत धीरे साहब के मतदार संघ में था, जबकि तो उन्होंने 10 लाख, मैंने 10 लाख दिया था, जब जाकर के 20 लाख में फर्सी पुल बना था, वो भी अब RCC बनने वाला है। मेरा बोलने का मतलब, लोगों की दिशा भूल करके कि मुसलमानों का टैक्स भरा जाता है, ये हिंदू मुस्लिम की बातें करके ये शहर को ये आग में हमेशा झोंकने की कोशिश यहाँ के बच्चा पार्टी ने भी करी है, इनके बुजुर्ग लीडर दुनिया में नहीं रही, वो तो हमेशा करते करते चले गए दुनिया से, अल्लाह उनकी मगफरत करे। अब एक है हजरत, अगर 100 करोड़ लाए, तुमने इतनी ताकत लगा के चुन के लाए, तो कम से कम उनको बोलना चाहिए ना ये गवर्नमेंट से, उन्होंने 100 लाए, तुम 25 करोड़ ला के दे दो। अरे हमारे आसिफ भाई तो आमदार नहीं है, वहां जाकर के 15 करोड़ रिलीज करवाते हैं, 5 करोड़ हम DPDC से लाते हैं, 20 करोड़ के काम की शुरुआत हो गई है, गांधीनगर का 10 करोड़ में से काम शुरू हुआ है, इंशाल्लाह शहर के अंदर बहुत रोड रास्ते अच्छे दिखेंगे। आज IGDP के ऊपर विषय था, कुछ लोग बोल रहे थे रोलिंग या अपोजिशन की बातें कर रहे थे कि किसने रोका। अरे भाई हर जगह यही लोगों ने, जब बस्ती उठाने की बात आती है तो वहां पर ये लोगों ने आके हमेशा रोड़ा अटकाया, अड़थड़ा डाला। कारपोरेशन के अधिकारियों ने कोशिश की, पुलिस डिपार्टमेंट की मदद भी मिली, इसके लिए आज कम से कम 2200 लोग वहां रहने गए। लेकिन 211 का एक विषय आया था, वो लोगों को सबको घर मिल गए, चारों साइड लोग बाकी तो यहां भी रह रहे, वहां भाड़े दे दिए पल्ला के बंदों ने। लेकिन जब उसको निकालने की बात हुई तो यही है बच्चा पार्टी का लीडर और उसकी अहिल्या अपोजिशन लीडर का रोल अदा करने गए और उसको रोके। तो ये लोगों को चाहते नहीं गरीब लोग को कि अच्छे मकानों के अंदर जाके रहे हुए, इनका सिर्फ इतने बोलने के 1 लाख मारे तोड़ी आएंगे। एक जमाने के अंदर जनता पार्टी थी और सोशलिस्ट पार्टी थी, मैं छोटा था उस वक्त, तो जब 66 के अंदर हम लोग रहने के लिए सर्वे नंबर 80,000 कोली में गए, मेरे वालिद मोहतरम ने 50 रुपये भर के अलाटमेंट लेटर मिला था, कोली नंबर 3 था, 3 हमारे बड़े अब्बा का था और 3 हमारे एक चाचा का था और 5 नंबर खोली मेरे बड़े बाबा का था, और ऐसे अनेक लोग वहाँ से सर्वे नंबर 10,000 खोली में आए थे। उस वक्त तो यही सोशलिस्ट पार्टी के लोग, यही मरहूम न्यायालय साहब के मानने वाले लोग बोला करते थे कि 1,000 खोली को 1 लाख मारेंगे तो गिर जाने वाली बोगस है। आज तक मैं बचपन से, आज मेरी 56 बरस कल उम्र हो गई है स्कूल के दाखिले के हिसाब से, 67 में मैं चला गया, 66 हो गई, 67 में चला गया, आज का दूसरा दिन है। मैंने आज तक एक दीवार तोड़ते हुए देखा नहीं। अब ये क्या है, ये क्या आर्किटेक्ट है, क्या इंजीनियर है ना। अब कोई अगर वो स्कीम अगर फेल कौन करा, हमने रोका, शहर के लोगों ने रोका, उनको समझाया नहीं
कि आप लोग रास्ते के ऊपर बसे हुए हैं, आप लोग वहां जाइए, अच्छे घर में रहिए, है ना, ना कि न्यायालय में सब 30 साल बोलते रहे कि ओपन पे मैं बना दूंगा, रोड पे मैं बना, रोड के ऊपर मैं बना दूंगा। जो विषय आज बच्चा पार्टी बोल रही थी अंदर हाउस में, उन्होंने कभी बोले बना दूंगा। अरे भैया 30 साल यहाँ पे प्रतिनिधि का काम करते करते आमदार रहते रहते उसके अंदर मंत्री भी बने, उसके अंदर अपोजिशन लीडर भी बने, महापौर भी बने, लेकिन अल्लाह के बंदे, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई गरीबों के लिए, ठीक है उन्होंने बसाए होंगे एक जमाने में जब मालेगांव शहर में गरीबी थी, लोग यूपी से और कांदेस से या मराठवाड़े से आते होंगे यहाँ रहने के लिए, ठीक है उस वक्त की जरूरत थी। लेकिन अगर तुम नुमाइंदगी करते हो तो तुमने अगर उनको रोड के ऊपर या ओपन पे बसाया तो कम से कम उनकी जवाबदारी भी थी कि वो गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर उनको भेजने की कोशिश उनको करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, हमेशा अड़थड़ा लाया गया। आज भी सलीमनगर का 60 फीट का रोड है जो रियाज साइकिल को मिलता है, लेकिन वहाँ अल्लाह के बंदे उनके मानने वाले कुछ लोग हमेशा विरोध करते रहते हैं, जबकि सभी के कहीं ना कहीं पर हाइट पलाट है, ये उनको समझते हैं लटकती तलवार है, ठीक है आज शेख रशीद भी चले जाएंगे, है ना, कल कोई और आएगा, लेकिन एक ना एक दिन जितने डीपी रोड है इंशाल्लाह 20 सालों में, 15 सालों में, 10 सालों में, 50 सालों में 2-3 पीढ़ी आएंगी जाएंगी, जब जाकर के शहर संभलेगा और सुधरेगा और अच्छा बनेगा। लेकिन हमारी कोशिश रही है कि हमेशा हम शहर को कोई अच्छा देखें, जैसे हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल है ना, हमका हमारा तजुर्बा था, कोई सत्ता पे उस वक्त तो हो गए कॉरपोरेशन की, लेकिन उनको तजुर्बा अनुभव नहीं था, है ना, वो गवर्नमेंट में जाके या आरोग्य डिपार्टमेंट में जाके, आरोग्य भवन में जाके फॉलोअप नहीं ले सके, पैसा आके बड़ा था। अरे मंजूर, पैसा आ जाने से तुमने जमीन पे काम कर दिए क्या? उसके लिए फॉलोअप लेना पड़ता, उसके लिए गवर्नमेंट अधिकारी से मिलना पड़ता, वो आरोग्य भवन का काम था, डिजाइन उनके तरफ से आनी थी, आर्किटेक्ट की डिजाइन और इस्टीमेट की कॉपी भी उनके तरफ से आने वाली थी, वो मैंने फॉलोअप लेके लाया, मेरे टाइम में संगे बुनियाद रखा गया, आज के महापौर ने उसका उद्घाटन किया। मेरा बोलने का मतलब जो बातें चलती है ना, हिंदू मुस्लिम की बातें अच्छी बात नहीं है, मैं समझता हूँ, हाँ काम की और विकास की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए, इस तरीके से नहीं चलने वाला, ठीक है किसी की जैसे बीजेपी वालों की, आरएसएस वालों की, इनकी कोई एक नीति होगी है ना हिंदू मुस्लिम करने की, लेकिन इसका मतलब अपन भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करो, अपने शहर को आग में झोंको, अपने नौजवानों को उसके अंदर उलझा दो, उनके ऊपर केस बन जाए, उनकी जिंदगी खराब हो जाए, ऐसे कामों से मेरा ख्याल है, मेरी अपना मशवरा है ऐसे लोगों को कि ऐसे काम से बचना चाहिए और अपने शहर के नौजवानों को भी बचाना चाहिए, ऐसी मेरी गुजारिश है। 15 करोड़ 80 महीने लाया, 5.5 करोड़ हमने DPTC से लाया, और हिंदू भाइयों के इलाके के अंदर भी, जैसे नगर उत्थान का आया, वहीं पे तुम्हारा दलित बस्ती का आया है, तो ये सब फंड आया ना, करोड़ों रुपया आया ना, वो कोशिश करना पड़ती है, दादा भाव के लोगों ने भी लाया, हमने भी लाया, बीजेपी वालों ने भी लाया, है ना, फिर हमारे अंदर के लोगों ने क्यों नहीं लाया, क्यों नहीं लाया, क्यों नहीं कोशिश कर सकते, मैं तो जमीन पर रोज दे रहा महापुर में, सही बात है ना, दिख रहे हैं, मैं तुमने बताना 60 काम में से 30 काम तो अभी बताओ, अभी 30 मैंने जाना बाकी है, समझे, और ये जो चट्टू पट्टू है ना उनके पंटर है ना, वो जो बोलते है ना, उन्होंने कोई काम इनको बोला नहीं, मैंने तो बोला था उस दिन एक बात, अभी मैं देखूंगा 2-4, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना इंतजार करूंगा, नहीं तो मैं आमदार का हर जगह घेराव करूंगा, कार्यकर्ता को लेके करूंगा, उसकी वजह है कि तू हमारे शहर के नुमाइंदे है, शहर के लोगों ने वोट दिया है, उनका काम आपको करना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी आपकी। अरे यार 3 करोड़ तुम्हारे लेफ्ट हो गया, तो सब 2 करोड़ रुपया 2.5 सालों के अंदर, महापुर बनने के 2-3 महीने 4 महीने के बाद ही जी कोरोना बीमारी की महामारी आ गई, और वो खाली मालेगांव नहीं पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर महामारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज के महापौर साहिबा ने, मैंने, हमारे पदाधिकारियों ने, कॉर्पोरेशन के या अधिकारी
ने मिल के उससे लड़ा भी, जो कोशिश उस वक्त भी जो हमारे महामारी के अंदर लपेटे हुए लोग थे, गरीब भाई हो अमीर भाई हो, जो कॉरपोरेशन के जरिए जो हॉस्पिटल खोले गए उसके अंदर उनको गरीब भाइयों को फायदा ज़रूर मिला, इलाज उनका अच्छा हुआ है ना, माले का मॉडल बना। हाँ, माले का मॉडल तो बना ही बना, साथ साथ में आज भी मालेगांव मॉडल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर से टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है कि अभी क्या बात है, यहाँ के लोगों को कोरोना नहीं होता है, असर नहीं होता है। तो इम्यूनिटी पावर जो है मालेगांव शहरों की माशाल्लाह बहुत अल्लाह ने स्ट्रांग दिया है, उसके बावजूद हम लोगों ने ये सब करते हुए 1.5 साल उसकी उसी के अंदर पूरा देश मुलविज था, पूरी दुनिया मुलविज थी। हमने जितने काम किए पिछले बजट और आज का आया बजट, ये पिछले 2 बजट के अंदर इतने काम जमीन के ऊपर हुए है ना, जैसे बजट हो गया था जी, लेकिन कोरोना था, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने बाकी की कुर्सियाँ चलाते रहे, हम बाकायदा कॉरपोरेशन में उसके बाद भी जाते रहे, भले कॉरपोरेशन के अंदर कौन आता था कौन नहीं आता था, मास्क लगा के हम भी जाते थे, पाबंदी ही थी बराबर है ना, लेकिन महापुर को भी और मुझे भी शुगर का प्रॉब्लम रहने के बावजूद भी बाकायदा हमने उसके लिए पूरी कोशिश की, और ज़मीन के ऊपर कैसे काम होंगे उसको पूरा करने की कोशिश की, और आज ज़मीन के ऊपर लोगों को काम दिख रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट फंड से हो 20 करोड़ के, या फिर कॉरपोरेशन फंड के करीब करीब अभी 50 से 60 करोड़ के काम जी, बारीक गलियों से लेकर बड़े रास्तों से लेकर के ज़मीन के ऊपर हो रहे हैं, कॉन्क्रीट होने वाले वक्तों के अंदर कौन जीता कौन हयात रहता, कौन छूट कर आता कौन नहीं आता, किसकी मेजोरिटी आती नहीं आती, लेकिन अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस की मेजोरिटी आती तो आज ऊपर की सरकार महाराष्ट्र में हमारी, और अगर हमारी मेजोरिटी आती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है ना, तो ज़रूर इंशाल्लाह अगर लोगों ने हम पे भरोसा किया, लोगों ने सिर्फ डेवलप ज़मीन के ऊपर काम होना चाहिए, खाली बातों के ऊपर हवाओं में बातें नहीं रहना चाहिए बराबर है ना, लोगों को भी चाहिए कि लोगों ने हमारे उम्मीदवारों को हर जगह से उनके देना चाहिए मेजॉरिटी देना चाहिए, हम इंशाल्लाह इससे अच्छा आने वाले 5 सालों के अंदर शहर का अच्छा नक्शा बदलने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह हमारी वो तो आज सामने दिखता है बराबर, कोशिश थी हम तो ज़मीन के ऊपर करते ही है, करते आए करते रहेंगे, ये हमारी कोशिश रहने वाली। मज़हब के ऊपर अगर करोगे हिंदू मुस्लिम पे करोगे तो वो शहर कभी हमारा डेवलप नहीं हो सकता, तरक्की नहीं कर सकता। हमने सब कोशिश की, जैसे बाहर जाना होता है नासिक गए है ना, नासिक से हट के मुंबई जाते रहे, या अलग अलग छोटे शहरों में भी गए, बाजू में सडन है वहाँ भी देखा मैंने कभी हमसे पहले क्वालिटी के अंदर सीमेंट रोड बनते हुए दिखे बराबर, तो उसको मैं बहुत गौर किया क्या वजह। अब मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर ऐसा विषय रहता है, हमारे बच्चा जी है सिटी इंजीनियर, उनको जब हम बोलते थे यार अपने वहाँ PWD का ये सब क्यों नहीं लागू होता है जी, या फिर नासिक महापालिका का हमारे पीडी साहब ये साहब लागू करना चाहिए, तो बोलते नहीं साहब ये अपना DSR तो बरोबर है, मालेगांव महापालिका शासन नहीं है ठीक है। एक दिन मैंने ध्यान दिया, जब आप लोग को भी याद होगा जी, कि जब ये ब्रिज का काम शुरू हुआ स्टार्ट में, ब्रिज वाले ने बहुत सारे मालेगांव के लोग देखा करते थे गर्दी लगा के, जब माल भरता था पहले तो खोदता था है ना फाउंडेशन, फिर वो करने के बाद में फिर मुरम डालता था, फिर उसके बाद में रोलर चलता था पानी डालता था, फिर उसके बाद कच्चा माल, कच्चे माल के बाद उसको रोलर उत्तम मजबूत हो जाता था, और फिर उसके बाद वो कॉम्प्लीट करता था बराबर। वो ध्यान आया मेरे को, मैंने बच्चों को बुलाया सब एक काम करो ये जो एस्टिमेट मिला और अब इसके बराबर में जैसा वो एस्टिमेट उनको मिला है वो गवर्नमेंट तरफ से आया बराबर, उसके मुताबिक तुम अब एस्टिमेट बनाना शुरू करो, और उन्होंने जब यहाँ से शुरू किया अब जाकर के
वो जमीन के ऊपर ऐसी क्वालिटी के काम हो रहे हैं। जब महापुर बनने से एक साल पहले कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ नहीं था, मैंने बाकायदे मुहिम छेड़ी थी शहर में, है ना। मैंने कोशिश किया एक साल भर, मुझे मेरे पक्ष के पार्टी के लोग भी बोलते थे सब आप अतिक्रमण निकालने की बात करो, इलेक्शन लड़ने की बात करो, महापुर बनने की बात करो, तो मतलब किसी को तो कोशिश करना पड़ेगी ना, है ना। मैं सुना कल कोई कमेंट आया कि इन्होंने अतिक्रमण निकालने का वादा किया था और अब जा करके महापुर बने, तो मैंने कोशिश किया बराबर। आवाम की खाली महापुर की या आयुक्त की जिम्मेदारी या पुलिस डिपार्टमेंट की खाली जवाबदारी नहीं है, जवाबदारी ऐसा है कि शहर की जनता को आवाम को भी चाहिए जागरूक रहना चाहिए। और पहली बात तो यार हमको तो अल्लाह के रसूल ने हमारे मना किया गाजवाना कुरान शरीफ से बताया गया अतिक्रमण नहीं है ना, कि काटा रागीर को जाने वाले को या आने वाले कोई तकलीफ हो रही है तो सेट में उसको रख दो या कहीं फेंक कराओ, एक नेकी मिलती बराबर बराबर है ना, पत्थर हटा दो। तो मेरा बोलने का मतलब हमारा तो मस्जिदों का शहर है ना, नमाजियों का, मस्जिदों का, इमामों का, सही बात, आलिमों का, मदारिसों का शहर है, अल्लाह के रसूल की बातें सब हमको मालूम है ना, बराबर फिर क्या हम कर्म को भाइयों को ये बात नहीं मालूम, हम तो उल्टा उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। मालेगांव शहर में इतनी बड़ी आबादी हम लोगों की है, उतने अतिक्रमण है, सही बात है। यहाँ जिनको अल्लाह के रसूल की बात नहीं मालूम है हिंदू भाइयों को, वहां जाके देखो नहीं, दूसरे शहरों में देखो नहीं है सब। और यहाँ तो कंपटीशन होता है, अगर शेख रशीद ने अगर 1 फुट बढ़ाया है मैं 2 फीट बढ़ा देता हूँ। यह चीज अगर हमारी कौम है ना शहर खुद अगर इस बात के ऊपर अमल नहीं करेगी तो शहर कभी खूबसूरत नहीं बन सकता और हमेशा बदनाम जमा रहेगा। इसीलिए अधिकारी आते ना कि जान तो मुसलमानों को ऐसी रहने की आदत पड़ी है, क्या जरूरत है अतिक्रमण निकालने की, ना ट्रैफिक पुलिस घूमती ना आरटीओ ऑफिसर घूमता ना कॉर्पोरेशन के लोग भी ध्यान नहीं देते अधिकारी। एक आदमी ने कंप्लेंट किया मेंबर ने तो जाके उत्ता कर आ जाते खुश, फिर दूसरे दिन फिर बैठ जाते अल्लाह के बंदे। हमारे लोग भी तो मानते नहीं ना, अब तो रोड बन रहे तो ट्रक वालों ने, होटल वालों ने, छोटे मोटे धंधे वालों ने अब तो उसको पार्किंग ही समझ लिया और बोले यार अच्छा हो गया, अब तो कौड़ी भी खेलते लोग ऐसे भी है।